हम लाइफ में कितनी सारी चीजें प्लान करते हैं, यू नो कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, हमारी लाइफ वैसी होनी चाहिए, गुड बैड सो मेनी थिंग्स। लेकिन ये जो लाइफ होती है ना, ये लाइफ का फंडा ही कुछ और होता है, क्योंकि लाइफ ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है वो सिर्फ लाइफ को पता होता है, हमें नहीं। हमारी आज की कहानी देख लीजिए। हमारी आज की कहानी ऐसे दो लोगों के बारे में जिन्होंने प्यार के बारे में जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। They never gave it a serious thought. But destiny, destiny ने सोच लिया, लाइफ ने सोच लिया कि इन दोनों के बीच में तो प्यार होना ही चाहिए। बस तो फिर हो गया। आइए देखते हैं इनकी कहानी। Welcome to Glamour Presents Bindaas, ये आशिकी, co-presented by Carbon Smart. भैया, यहाँ आसपास कोई फोन बूथ है? आजकल कहाँ होते हैं सर ये बूथ वूथ। गेस्ट हाउस फोन करना है, बताना है, शाम को ही आऊंगा और बैटरी खत्म। कोई बात नहीं सर, आप नंबर लिख लो कहीं, अगर आपका फोन ऑफ हो जाएगा तो मेरे नंबर से कर लेना। आपके पास फोन है? क्या बात है सर, आज किसके पास फोन नहीं है सर। लगता है काफी टाइम के बाद दिल्ली में आए हो, है ना? हाँ, 8 साल बाद। 8 साल? इतनी देर शहर से दूर रहे सर आप? You should be ashamed of yourself. How can an educated man behave like this? मुझे डिवोर्स चाहिए। सबके सब ना एकदम यूजलेस हैं। क्या इन लोग को इतना नहीं समझ में आता कि थोड़े ये सब टाइम पास वगैरह छोड़ के कुछ काम की चीज कर लें? रिडिकुलस। तुझे पता है ये सब ना इलेक्शंस के टाइम पे अपनी छुट्टियां प्लान कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या हो क्या गया आजकल की यूथ को? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। कूल या, काम डाउन। व्हाट कूल या? और बोलेगी तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसलिए टॉपिक चेंज। अच्छा, सुना है कि कोई नया प्रोफेसर आया है, असीम सेन, US रिटर्न है, एंड HOD इज द फुल लॉन एक्साइटेड अबाउट इट। US रिटर्न है ना, देन नो पॉइंट। उसको हमारे यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में क्या पता होगा? व्हाई डू वी नीड अ US रिटर्न या? वी नीड समबडी हुज फ्रॉम हियर, जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले, लाइक समबडी लाइक दिस गाय। हैव यू रेड हिम? ही इज जस्ट अमेजिंग। You know, I just love him. But ये क्लविया है कौन, किसी को पता ही नहीं है। I really wish I could meet him, you know. I've read about him so much. Sometimes I wonder कहाँ रहता होगा ये। सुन, ये है हमारा नया प्रोफेसर। Yes. अरे guys, मैंने पूरा CV निकाल लिया इस नए प्रोफेसर का। हाँ? मेरी दीदी की सिस्टर इन लॉज का बैचमेट था 12 साल पहले। अरे दीदी बता रही थी बहुत मारता था अपनी वाइफ को। What? तभी तो उसने इसे छोड़ दिया और इंडिया छोड़ के चला गया। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। अरे इसे लेकर आया मैं पढ़ाने के लिए? Are you serious? यूनिवर्सिटी का धब्बा शायद पास के पुराने सभी धब्बों को मिटा देता हो। अब हमें क्या एक वाइफ पीटर से पढ़ना पड़ेगा? I can't. थोड़ा सा लेट हो गई आप। अगर 2 मिनट पहले निकली होती तो अभी कैंटीन में कॉफी पी रही होती और मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा कोई स्टूडेंट बंक कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, आई केम टू द रॉन्ग क्लास, सॉरी। नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग एवरीवन,
I am Dr. Asim Sen. Sit down, sit down. Good morning, sir. Good morning, sir. रिया ने अपना मन बना लिया था कि वो जितना हो सकेगा अजीम से दूर रहेगी। इनफैक्ट रिया ने तो वो कोर्स भी ऑप्ट नहीं किया था जो अजीम पढ़ाने वाला था। लेकिन आप जरा सोचिए ना कि अगर लाइफ बिल्कुल वैसी हो जैसी हम सोचते हैं लाइफ को होना चाहिए तो फिर बात ही क्या। इट्स नॉट दैट इजी बेब। वो स्ट्रक्चरल प्री कंडीशंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स के नोट्स कहां से लिए थे? इट वाज सो गुड। मेरा तो एक ही फेवरेट है, एकलव्य। मुझे पेज नंबर याद नहीं। पेज 112। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि सोशियोलॉजी तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। फॉर अ डिस्गस्टिंग एंड सिक गाय ना, वाइफ पीटर कहीं का। He's right. It's page 112. Freaky, हाँ? Freaky नहीं है, photographic memory है। उस दिन तू क्लास में होती ना, तुझे भी पता चल जाता। वैसे हॉट भी है। Really? मैं प्रोफेसर असीम से एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पूछ कर आती हूँ। त्रिशा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे रोना बंद कर, बता हुआ क्या? रिया सोने। क्या क्या सोने? चल रिया अभी स्टॉप। प्लीज। अरे रुक, क्या ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। चल मेरे साथ। रिया प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। त्रिशा देख, इसको जाने मत दे, ओके? I know he must have done something. Let's go. रिया प्लीज स्टॉप इट। त्रिशा नहीं बस। I knew it. Disgusting man. त्रिशा मैं भले हिम्मत ना हूं पर असीम सेन मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा कर रहूंगी। Excuse me. ये सब क्या है? किसके बारे में ये सब? कहीं हमारे कॉलेज की फैकल्टी का तो नहीं है कोई? सर, कुछ को डिटेल्स आपकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। सर, ये सब किसने लगाया है ये तो नहीं पता, बट यस वी डू वांट टू नो इफ दिस इज ट्रू। क्या ये आपके बारे में है? प्रोफेसर सेन, बच्चों को जवाब दीजिए। आप इनके सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, आप इन्हें यहाँ पढ़ाने आए, और अगर ये सब आपके बारे में है, एंड इफ यू बीन अक्यूज्ड अब्यूजिंग अ वुमन, देन आई मस्ट से दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। प्रोफेसर सेन, आपको इसी वक्त जवाब देना होगा। आर्टिकल्स आपके सामने हैं, तो जाहिर है कि यही सच होगा, और आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है। मुझे इन बच्चों के बीच नहीं होना चाहिए। Excuse me, please. असीम, what is this? मैं ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं अब और झूठ का साथ नहीं दे सकता। आखिर ये सब कब तक चलेगा असीम? तुम्हें सबके सामने सच बोल देना चाहिए था। कम से कम मैं तो ये रोज रोज के गिल्ट के बोझ से बच जाता। नहीं सर, सच ना ही 8 साल पहले और ना ही अब बाहर आएगा, और इसकी वजह आप जानते हैं। और मैं तो बहुत छोटी कीमत चुका रहा हूँ सर। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां भी हूँ, आपकी वजह से। अगर आपका सहारा नहीं होता तो कॉलेज और पीएचडी तो क्या, मैं तो स्कूल भी खत्म नहीं कर पाता। लेकिन असीम, मेरी इज्जत, मेरे नाम की खातिर तुम कब तक ये सारा इल्जाम अपने सर पे लेते रहोगे? मैं तो उस दिन को कोसता हूं जिस दिन
मैंने अपनी उस नालायक बेटी की शादी तुमसे करवाई थी। ऐसा बस। असीम, उस वक्त भी मैं उसकी असलियत जानता था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ शादी होने के बाद वो शायद सुधर जाएगी, लेकिन वो मेरी गलती थी। आज के बाद मेरी गलती की सजा तुम नहीं भुगतोगे। मैं कल ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इश्यू करता हूँ और पूरी दुनिया को बता दूंगा कि सच क्या है। नहीं सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस प्रोफेशन में, इस कॉलेज में आपकी बहुत इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि कोई आप पे उंगली उठाए, और अगर ये बात निकलेगी और सबको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी अपने दूसरे हस्बैंड को छोड़कर किसी और के साथ रह रही है। असीम, तुम पूरी जिंदगी यूं अकेले कब तक भागते रहोगे? अकेलेपन की आदत हो गई है साहब। एंड डोंट वरी, आप रिप्लेसमेंट अपॉइंट कीजिए, मैं अपना नोटिस पीरियड खत्म करके ही जाऊंगा। आई प्रॉमिस। अंदर आ जाओ रिया, मैं जानता हूं तुम बाहर हो। कम इन। लेकिन गलती तो प्रोफेसर सिन्हा की है ना? जब उन्हें पता था कि उनकी डॉटर आप पे गलत इल्जाम लगा रही है, तो उन्हें कुछ करना चाहिए था ना उस वक्त। वैसे चुप कैसे रह सकते हैं? रिया, उस इंसिडेंट के बारे में मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन जब ये सब हुआ तो प्रोफेसर सिन्हा दिल्ली में था ही नहीं। इनफैक्ट जैसे ही वापस आए उन्होंने मेरी बेल करवाई और मेरी वजह से अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। हाँ, लेकिन उन्हें किसी को सच भी तो नहीं बताया। रिया, तुम शायद ये बात नहीं समझोगे, लेकिन कुछ वक्त बाद तुम्हें समझ में आएगा कि एक अच्छा इंसान आखिर इंसान ही होता है, उसे भगवान नहीं समझना चाहिए। गलतियां हम सब करते हैं, कमजोरियां हम सब में होती है, और रिश्तों में चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, एक बाप कभी भी अपनी बेटी को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। तो प्रोफेसर सिन्हा के साथ ऐसा करके मैं कैसे रह लेता? रिया, आई एक्सपेक्ट इसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। अच्छा सर, अब तो आई एम ट्रस्टिंग यू रिया, प्लीज। रिया, इस इंसिडेंट में तुम्हें कितनी बड़ी सीख मिल रही है, तुम सीखना चाहो तो थिंक अबाउट इट। असीम, सॉरी, एकलव्य है। मुझे पेज नंबर याद है। पेज 112। अपनी आइडल का, अपनी हीरो का सबके सामने इस तरह तमाशा बना दिया। I'm so sorry, sir. It's so unfair to you. बाकी सबकी तरह मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, बाकी सबकी तरह। प्रॉमिस यू दैट। मेरे एक बहुत खास दोस्त ने मुझसे कहा था कि अच्छे इंसान भी आखिर इंसान ही होते हैं, उन्हें भगवान नहीं समझना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, कमजोरियां सब में होती हैं, इनमें भी थी।
तभी शायद उस वक्त उस सिचुएशन में फंसे लोग कुछ कर नहीं पाए, कह नहीं सके। डोमेस्टिक अब्यूज के फॉल्स केस ने उनकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, अपना कर्ज चुकाया। आजकल कहां मिलते हैं ऐसे लोग, ऐसे दोस्त। तूने रिया का ब्लॉग पढ़ा? Dude, you think ये प्रोफेसर सेन की बात कर रही है? Must be. मैंने देखा उन्हें बहुत बार बात करते हुए। I'm sure उसे सर की इनसाइड स्टोरी पता है और वो ब्लॉग के थ्रू हम सबको बता रही है। रिया, हम तेरी ब्लॉग के बारे में बात कर रहे थे। तूने प्रोफेसर सेन के बारे में लिखा है ना? Is it true? I mean, अगर ऐसा है तो उन्होंने उस दिन कुछ कहा क्यों नहीं? Well, अगर किसी आदमी ने अपनी पूरी लाइफ किसी और की रेपुटेशन को बचाने में लगा दी हो तो तुम्हें क्या लगता है वो सडनली आके अपने आप को डिफेंड करेगा? नहीं ना, मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगी। अब तुम ही लोग सोच लो मैंने किसके बारे में लिखा है। You know, गलती किसी की भी हो सकती है, उस दिन गलती मेरी थी। Showing you something. Huh. See this. यहाँ देखना। क्यों ऐसी बिना किसी रीजन के कोई खुश नहीं हो सकता क्या? सो या या रियली फन। हेलो दिल्ली समय, आपके लिए एक स्कूप है। वेल राइटर एकलव्य की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। मेरे कैबिन में आओ। रिया तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरी पर्सनल लाइफ इंटरनेट और न्यूज़पेपर्स में प्राइवेसी तो रही नहीं। मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। व्हाई आर यू डूइंग? आप उससे गुस्सा है? ऑब्वियसली आई एम। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं खुद कर लेता, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या लगा कि हे रिया, मेरा इंटेंशन तुम्हें बुलाने का नहीं था। रिया मैं जो भी करूं आप कभी भी खुश नहीं होंगे ना? कितना कुछ किया मैंने, आई ट्राइड सो हार्ड। क्यों? क्योंकि आप मेरे हीरो हैं और जो मैंने आपके साथ क्या वो गलत था? मैं नहीं चाहती थी कि आपको फिर से जाना पड़े। और
जिसकी वजह से आप कितने सालों से अकेले और अनहैप्पी थे और आप फिर से जाने वाले थे और मैं नहीं चाहती थी कि आप जाए। एक्चुअली मुझे आदत ही नहीं है, मेरी खुशी के लिए बहुत टाइम से किसी ने कुछ किया ही नहीं, इसलिए शायद रॉन्ग रिएक्शन। सॉरी। अच्छा ये बताओ, व्हाट कैन आई डू टू मेक अप फॉर इट? बताओ। आप अपनी नेक्स्ट नॉवल में हैप्पी एंडिंग दीजिएगा। एंड प्लीज मैन्युस्क्रिप्ट मुझे दीजिएगा। दैट्स इट। श्योर? डन। रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा ऐसी रहना, डोंट चेंज, प्रॉमिस। ध्यान से काम करो। आई होप यू ओके, हैप्पी? एक्चुअली ना बहुत लेट हो गई है और मेरे को घर जाने के लिए ऑटो भी नहीं मिल रहा, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर आप मुझे घर छोड़ दें तो। श्योर, ओनली इफ इट्स कन्वीनिएंट फॉर यू। सर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जस्ट अ मिनट। श्योर, थैंक यू। पीजी यहाँ से कितना दूर है? आई नो आप क्या सोच रहे हैं, आपको लगता है कि ये कोई स्टूपिड सा क्रश है ना, पर ऐसा नहीं है। आई नो व्हाट आई फील and what I feel is love. I love you, aur yahi sach hai, aur sach ye bhi hai ki tum meri student ho, aur usse badi baat ki umar mein tum mujhse bahut choti ho, and moreover I am a divorcee. Divorce से प्यार का क्या कनेक्शन है?
आई लव यू एंड और ये बात मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कही और ना ही मैं आगे कभी किसी को कहूंगी. आई लव यू एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी. प्लीज कुछ बोलिए, एटलीस्ट कुछ बोलिए तो सही. तुम्हारा पीजी आ गया. आई नो दैट, लेकिन मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप मेरे बारे में क्या फील करते हैं. आई जस्ट सेड दैट आई लव यू. काफी देर हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए. मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे हाउ डू यू फील फॉर मी. गिव मी द की. नहीं, ये तुम क्या कर रही हो रिया? पहले बताइए हाउ डू यू फील. गिव मी द की. नो, मुझे बताइए हाउ डू यू फील. चाबी दो. नहीं, गिव मी द, गिव मी द की. नहीं, पता है असीम सिंह ने रिजाइन कर दिया है. What? हाँ, या चल यार, चल के देखते हैं. मुझे ना कह दिया होता, ऐसे भागने की जरूरत क्या थी? अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो ऐसे भागते नहीं. आप भी मुझसे प्यार करते तो फिर बोलते क्यों नहीं है? I love you. और यही सच है. और सच ये भी है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो. एंड मोरओवर, I am a divorcee. Divorce से प्यार का क्या कनेक्शन है? I love you and that's most important to me. प्रोफेसर सेन, बच्चों को जवाब दीजिए. आपको इसी वक्त जवाब देना होगा. कब तक ये सारा इल्जाम अपने सर पे लेते रहोगे? तुम पूरी जिंदगी यूं अकेले कब तक भागते रहोगे? I love you. और यही सच है. और सच ही है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो. और सच ही है. डॉक्टर असीम हॉस्पिटल में है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए. Oh God,
ये सब कैसे हुआ? कैसे हैं आप? मुझे पता है आपकी गलती होगी, ध्यान इधर उधर होगा ना ड्राइव करते हुआ। देखा क्या कर लिया, बहुत दर्द हो रहा है। I love you, Riya. I love you, Riya. I love you, Riya. I love you. मुझे गलत फहमी थी कि मेरा अब इस जिंदगी से प्यार से कोई वास्ता नहीं है। मैं एक दिन से दूसरे दिन जी रहा था बस, लेकिन मौत को इतने करीब से देखने के बाद मुझे समझ में आया कि जीना क्या होता है। मैं जीना चाहता हूं रिया, तुम्हारे साथ रिया। इसलिए हॉस्पिटल वालों को सिर्फ तुम्हारा ही नंबर दिया ताकि तुमसे वो कह सकूं जो उसे नहीं कह सका। नई रिलीज है, सबको बहुत पसंद आ रही है। इट्स क्वाइट रोमांटिक। अच्छा, सोचो जरा, थिएटर में हम दोनों बिल्कुल अकेले, फिर हम आराम से हाथ पकड़ सकते हैं, कोई नहीं होगा मैं देखने वाला, और फिर प्रोफेसर कहने ड्रामे ही नहीं खत्म होते। असीम सेन, हाय हाय। 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 रिया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था। एक मिडिल एज प्रोफेसर, वो भी मैरिड? डैड, वो मैरिड नहीं, डिवोर्स्ड है। डोंट बी स्मार्ट, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नो डैड, लिसन, डैड एक बस मैं क्या करूं? मैं उनके लिए जो चाहती थी उससे उल्टा ही हो गया। मैं तो उन्हें खुश करना चाहती थी, उनकी रेपुटेशन, उनका ऑनर उन्हें लौटाना चाहती थी, पर अब
अब मेरे ही कारण जो भी था वो भी जा रहा है. इट्स सो अनफेयर. प्रोफेसर सैन, आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे या बाहर जो हंगामा चल रहा है आप भी उस बात को मानते हैं? अरे कैसे नहीं मानेंगे, हम सबने देखा है बच्ची को फंसा रहा था. ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने देख लिया और कुछ बड़ा होने से पहले ये आदमी पकड़ा गया, वरना तो आपकी बेटी की लाइफ ही खराब थी. रिया तुम बाहर जाओ. क्यों पापा, यहाँ बात तो मेरी हो रही है ना, तो मुझे तो यहाँ होना ही चाहिए. एंड एज फॉर ऑल ऑफ यू जो यहाँ एक डिफेंसलेस आदमी पे जजमेंट पास करने के लिए तैयार है, मुझे आप सबसे भी कुछ कहना था. I love him. तो क्या बुरा हो गया, मैंने जो भी किया विलिंगली किया और इन्होंने मेरा कोई फायदा नहीं उठाया. इनफैक्ट लव यू तो पहले मैंने ही कहा था. बंद करो ये तमाशा. मेरे प्यार का तमाशा आप बना रहे हैं पापा. रिया बस बहुत हो गया, मेरे लिए अपने पापा से मत लड़ो प्लीज. मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से एक और बाप बेटी के रिश्ते में दरार आए. और ये सब सही तो कह रहे हैं, तुम मेरी स्टूडेंट हो और मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी. असीम, आई मीन प्रोफेसर सेन, बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि आपको ये जगह छोड़कर जाना होगा. पर क्यों, इनकी तो कोई गलती नहीं थी, सब मैं यही बताने आई हूं यहां आपको. रिया जाने दो उसे, पता नहीं इस आदमी ने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ा दी है, पर तुम्हारी गलती नहीं है. ये आदमी जानता है कि यंग लड़कियों को कैसे फंसाया जाए. पापा! रिया तुम यहां क्या कर रही हो? बस इतना सा था आपका प्यार और सबके सामने सिर झुकाकर आ गए. क्या सच में आप हमारे प्यार से शर्मिंदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर हम एक साथ नहीं हो सकते. मैं आपसे दूर नहीं रह सकती. तो तुम्हें सीखना होगा. पर क्यों? ताकि उन सबको हम दिखा सके कि हमारा प्यार कितना सच्चा है. हमें इंतजार करना होगा. तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, उन सबको दिखाओ कि तुम्हें डिसीजन लेने की मेजोरिटी है, और उस वक्त अगर तुम्हारा डिसीजन मेरे साथ रहने का होगा तो शायद उन्हें समझ में आए. यानी ये अंत नहीं है? ये तो अभी शुरुआत है. रेहा ओपन द डोर. रेहा ओपन द डोर. रेहा ओपन द डोर. अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा, ये मेरी अमानत है आपके पास. तब तक जब तक आपको खुद यकीन नहीं होता कि हमारा प्यार कितना सच्चा है और आपकी बेटी का फैसला कितना सही, आप टेंशन मत लीजिए, तब तक मैं इंतजार करूंगा रिया का. तुमने कहा था ना कि तुम बहुत रो चुकी हो. सही कहा था. अब बस है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो. किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी तुम्हारे लिए कुछ है
मेरी पहली हैप्पी एंडिंग नॉवल सिर्फ तुम्हारे लिए। अजीम एंड रिया डिसाइडेड टू वेट, और इसलिए नहीं क्योंकि उनके मन में कोई गिल्ट था, बल्कि इसलिए कि उन्हें उनके प्यार पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि एक ना एक दिन समाज उनके प्यार को जरूर एक्सेप्ट करेगा। देखिए, ये जो प्यार होता है ना, ये कभी भी सोच समझ के या टाइम देख के नहीं होता। प्यार बस हो जाता, फिर कई कई लोगों को पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है अपना प्यार ढूंढने में, और कई लोगों को समय से पहले मिल जाता है। लेकिन आप चाहे जो भी, आपकी उम्र चाहे जो, अगर आपको आपका सच्चा प्यार मिल चुका है तो उसका हाथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि बिलीव मी गाइस, बीइंग इन ट्रू लव इज द बेस्ट फीलिंग एवर। वेल, दैट्स अबाउट इट। ये थी हमारी आज की कहानी, मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन keep falling in love guys, because it is the best feeling। मैं लंदन से साइकोलॉजी मेजर करके आया था, और मेरे पुराने कॉलेज में मुझे एज अ गेस्ट लेक्चरर बुलाया। मुझे साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था, इनका लेक्चर, पर्सनालिटी काफी अच्छे लगने लगे। जब मैंने इनसे नंबर मांगा तो इन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मैंने इनके सीनियर से इनका नंबर लिया और किसी भी बहाने से इनसे बातें करने लगी। मुझे भी ये बहुत स्वीट लगने लगी, और देखते ही देखते हम दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। मेरी एक फ्रेंड ने हम दोनों को कॉफी शॉप में देखा और मेरे पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। फिर मेरे डैड को हमारी एज डिफरेंस सही नहीं लगी और हमारा मिलना, बातें करना सब बंद करवा दिया था। But somehow we managed to talk and meet without her parents' knowledge and get in a relationship. I hope her parents will understand someday. अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस एट बिंदास टीवी #ये है आशिकी।